कि लगातार अभी दो सभाएं प्राणपुर विधानसभा में हमारे जो प्रचारक हैं अलग अलग पार्टी के लोगों ने की, कांग्रेस पार्टी और देश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे 30 तारीख को गायघट्टा में, ज़बरदस्त सभा रही और लोगों में जो बदलाव की एक लहर है वो साफ दिख रही है। आज देखें आज़म नगर की सरजमीन जो थाना मैदान है, ये कन्हैया कुमार जी जो हमारे गठबंधन के नेता हैं, छात्र नेता हैं, जेएनयू से हमारे जेएनयू में रहे हैं हम लोग, तो उनका भी भाषण में देखें आप, लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। साफ पता चलता है जो नीतीश कुमार की 15 साल की कुशासन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो बदहाली जो फैली हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेके जो हम लोग भी जा रहे हैं, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और आम आवाम पूरा का पूरा बदलाव के मूड में है। तो बदलाव की लहर है पूरे बिहार में। सिर्फ एक MLA, दो MLA, तीन MLA बनाने का मामला नहीं है, किसी MLA बनाने का मामला नहीं है, बल्कि महागठबंधन की सरकार को बनाना है और बदलाव की जो ये क्रांति आपको देखने को मिल रही है, बदलाव की ये लहर है, उसमें आपको आने वाले दिन में 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो प्राणपुर सबसे अग्रिम पंक्ति में आपको दिखाई देगा। इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, इस इलाके में जो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ साथ जो बंगाल से बिहार जो जोड़ने वाली सड़क का लाभा का वहाँ देख लीजिए, चाहे आज़म नगर से आपका कुशीदा जाने वाली सड़क देख लीजिए, जो बहुत ही जर्जर है और 15 साल का इनका कार्यकाल जो यहाँ भाजपा कार्यकाल रहा, उन्होंने इन तमाम केंद्र में उनकी सरकार, बिहार में उनकी सरकार, खुद मंत्री, तो इस तरह की हालत आज भी क्यों बनी हुई है? आप बांध जो आज़म नगर का बांध को देख लीजिए, चौड़ीकरण, उसमें पक्कीकरण का मामला जो है ये बनना चाहिए, आज़म नगर से रोहिया का पुल जो मामला है, ब्रिज भी बनना चाहिए। ये जो मुद्दे हैं ये तो मुख्य मुद्दे हैं ही, लेकिन इस इलाके में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, रोज़गार के नए आयाम खुले, इसको लेके कहीं ना कहीं मैं एक सोच लेके आया हूँ जो आने वाले दिन में काम करें। बड़ी समस्या सर, बाढ़ एक बड़ी समस्या है और बाढ़ को लेके जो महानंदा बेसिन की बात होती है कहीं ना कहीं दबके रह जाती है, इन तमाम चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है। बाढ़ कट गया कचौड़ा पुल 2017 में, उसके बाद कितनी तबाही आई, चाहे कदवा हो, प्राणपुर आज भी कहीं ना कहीं पानी पूरी तरह से बहाव की वजह से पूरा इलाका प्राणपुर का डूब जाता है, तो बाढ़ एक बड़ी समस्या है, उसका निदान के लिए भी हम लोग सही तरीके से उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।